मैं कविता नाईक मेरी एक रचना आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। रचना मराठी में है तो उसका हिंदी अनुवाद मैं पहले आपके सामने पेश करूंगी। कविता का शीर्षक है मृगज। मृगज यानी मिराज। कुछ चीजें दूर से तो आकर्षक दिखती है मगर जरूरी नहीं कि वो असलियत में वैसी ही हो। इस कविता का मतलब कहता है कि मेरा मन बावरा जिंदगी के बारे में न जाने क्या क्या ख्वाब देखता है। इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये जिंदगी एक मिराज है। कैसे समझाऊं कि तुम्हारा आना मेरे मन में मयूर पंख फैलाता है मगर तुम्हारा जाना मेरे इस मन का फूल मुरझा देता है। वह चांद भी अपनी चांदनी के साथ कितनी सारी कसमें खाता होगा मगर एक अमावस की रात को उन सबको छोड़ न जाने कहां हो जाता है। तो इसीलिए मेरे मन इस मिराज में मत उलझ क्योंकि जिस हाथ से दान छूटे उसे दानी कहते हैं मगर जिस रूह से माया मिट जाए अलग हो जाए तो उसे सच्चा ज्ञानी कहते हैं। कविता मृगज। मनवेडे गुणगुणते हे आयुष्याचे गाणे। मनवेडे गुणगुणते हे आयुष्याचे गाणे। या समजावू मी कैसे मृगजळ आहे नव्हे तराणे। तू येता मजजवळी का फुलला मोर पिसारा। तू येता मजजवळी का फुलला मोर पिसारा। तू जाता फुलही सुकले उरले काट्यांशी हे जगणे। मनवेडे गुणगुणते हे आयुष्याचे गाणे। इंदू ही मागत वचने ताऱ्यांचे सोबत असणे। इंदू ही मागत वचने ताऱ्यांचे सोबत असणे। अवसेच्या एका रात्री त्या साऱ्या सोडून जाणे। मनवेडे गुणगुणते हे आयुष्याचे गाणे। ज्या हातामधून सुटते त्या हाता म्हणती दाने। ज्या हातामधून सुटते त्या हाता म्हणती दाने। ज्या हृदयामधून सुटते योगस्थ मनीचे असणे। योगस्थ मनीचे असणे। मनवेडे गुणगुणते हे आयुष्याचे गाणे। त्या समजावू मी कैसे मृगजळ आहे नव्हे तराणे।